गोरखपुर जिले में मंगलवार को 191 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,312 हो गई है। वहीं 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 212 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। 12,677 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,421 कोरोना मरीज एक्टिव है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, शहर की बात करें तो 126 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को सबसे अधिक 70 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ में 10, रामगढ़ताल 1, कैंट में 27, कोतवाली में 5, गुलेरिया में 3, तिवारीपुर में 5, चिलवाताल में 3, राजघाट में 2 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 54 नए मरीज मिले हैं। इसमें चरगावा में 17, सहजनवा में 8, कैंपियरगंज में 4, कौड़ीराम में 1, बढ़लगंज में 3, गगहा में 2, खोराबार में 5, गोला में 2, बांसगांव में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 11 मरीज शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।